और बबलू भाई कैसे हैं? बस प्रदीप भाई बढ़िया बढ़िया बिल्कुल। तो एक बार अपना नाम बताओ बबलू भाई पूरा। मेरा नाम है प्रदीप भाई बबलू शेख, हम रहने वाले हैं पूना से। और अपने स्टड फॉर्म का नाम क्या है? द रॉयल स्टड फॉर्म। द रॉयल स्टड फॉर्म। तो बबलू भाई अभी आपने घोड़ा लिया है, सबसे पहले तो आपको बधाई घोड़ा लेने पर। शुक्रिया भाई। तो बबलू भाई सबसे पहले एक बार घोड़े का नाम बताएं। वैसे तो घोड़े के नाम को मेरे को लगता है कि किसी पहचान का मोहताज नहीं है घोड़ा, है ना, पर एक बार जब भी इसका नाम बताएं आप क्या है। ये घोड़े का नाम प्रदीप भाई अति सुंदर। अति सुंदर। और इसका अगर बात करें लाइन की, यानी कि बाप कौन है इसका? इसका बाप है सुंदर। सुंदर। और सुंदर का बाप का देवराज। और देवराज किस लाइन का था ये? ये देवराज एक मठ में घोड़ा था, तो वहाँ से देव दरबार लाइन चालू हो गई। देव दरबार लाइन चालू हुई। तो अगर बबलू भाई इसकी अगर हाइट की बात करें तो हाइट में कितना होगा अभी? अभी हाइट में फिलहाल 60-61 के करीबन है। 61 के करीब है। और उम्र में? उम्र में ये 9 साल का है। 9 साल का है। और माँ की तरफ से देखें बबलू भाई? इसकी माँ पाथड़ी लाइन से आती है। पाथड़ी लाइन से। पाथड़ी लाइन से। बाकी इसके अभी तीन पैर सफेद हैं। इसके तीन पैर सफेद है प्रदीप भाई, और माथे पे ब्लेज है। माथे पे ब्लेज है। तो बबलू भाई आपने जैसे ये घोड़ा लिया तो कैसे पसंद आया घोड़ा, यानी कि कैसे लगा, यानी कि आपने पहली बार कब देखा और कैसे लगा कि आपको ये घोड़ा लेना चाहिए? प्रदीप भाई इस घोड़े को हम फोटो में और वीडियो में देखते थे, और हिंदुस्तान के सारे घोड़े वाले इस घोड़े को जानते हैं, क्योंकि इसके इतना इंडिया में पूरे खूबसूरत कोई मारवाड़ी घोड़ा नहीं है। तो ये घोड़ा मुझे बहुत पसंद था, फोटो वीडियो देखता था मैं इसके। तो हमारे भाई है गुजरात के नदीम भाई शेख, जिन्होंने ये घोड़ा पंजाब सेल किया था। पंजाब। हाँ, तो भाई से मैंने बात की कि भाई मुझे ये घोड़ा चाहिए, तो फिर उन्होंने इस घोड़े को मुझे दिलवाया। तो आपको अभी ये घोड़ा नदीम भाई ने दिलवाया? हाँ, घोड़ा गुजरात के हमारे नदीम भाई शेख है, उन्होंने दिलवाया। तो बबलू भाई जैसे कि घोड़ा ढूंढा तो कितनी मशक्कत करनी पड़ी घोड़ा ढूंढने के लिए? तो जी भाई घोड़ा ढूंढने के लिए करीबन हमारे 20-25 दिन चले गए। 20-25 दिन। 20-25 दिन। तो 20-25 दिन में एक ही घोड़ा ढूंढ पाए? 20-25 दिन में हमने एक पोनी और दो मेयर खरीदे। दो मेयर। तो बबलू भाई जैसे कि आप मार्केट में गए है ना, तो मार्केट का क्या हाल था, यानी कि 20-25 दिन आपने गहराई से मार्केट को सर्च किया है ना घोड़ा घोड़ी ढूंढने के लिए, तो जो भी लोग हैं नए लोग उनको भी कुछ जानकारी मिलेगी, तो उसके हिसाब से मैं पूछना चाह रहा हूँ आपको क्या लगा वास्तविकता में कि मार्केट में कैसा हाल मिला आपको मार्केट का? मार्केट में प्रदीप भाई ऐसी कंडीशन है कि नए लोगों को जल्दी से ठगा जाता है। नए लोगों को क्योंकि एक तो नए लोगों को कुछ मालूम नहीं रहती है, और बेचारे वो लोग किसी पे भी तुरंत यकीन कर लेते हैं, तो उससे वो ठग जाते हैं। तो मेरा कहना यही है नए बंदे को कि घोड़ा या घोड़ी लेते टाइम हर बात की इंक्वायरी करे, और वो लाइन से है या नहीं है वो देखकर हर चीज़ों पे घोड़ा घोड़ी ले, तुरंत किसी पे यकीन ना करे, बस यही कहना है। ओके। तो बबलू भाई जैसे अगर इस घोड़े की अपन बात करें तो ये बहुत सारी रिंगों में भी जीता हुआ है, तो कुछ रिंग इसकी हो जो आपको याद हो तो उन रिंगों के नाम बताओ जरा। ये प्रदीप भाई बलोतरा में जीता है, साइला में जीता है, और रानीवाड़ा में जीता है। रानीवाड़ा में। ये दो तीन नाम मुझे याद है, ऐसे कई शो भी ना। अभी घोड़ा नया लिया है तो जानकारी भी जुटाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, है ना। ये 3-4 ही नाम पता है कि घोड़े का थोड़ा सा इतिहास ज्यादा बड़ा है। तो इसकी पूरी जानकारी आप मेरे को टेक्स्ट में देना, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जो भी लोग इसके बारे में पढ़ना चाहेंगे विस्तार से तो वो पढ़ लेंगे। तो बबलू भाई अभी अगर इसकी बात करें हम मैटिंग की, है ना, तो आपको ये तो पता नहीं होगा पहले कितनी घोड़िया क्या मैट करके आया है, कुछ आइडिया है क्या? इतना तो पता नहीं है, मगर करीबन 40-50 घोड़ियों के करीबन हुआ है मेट हुआ है। तो अभी आपने क्रॉसिंग की फीस क्या रखी है? इसकी क्रॉसिंग की फीस हमने 31,000 रखी। 31। तो जैसे कि अभी घोड़ा आपका पुणे में प्रवेश कर चुका है, और महाराष्ट्र में बोले तो नाम में 4 चांद लगा चुका है ना, क्योंकि ये घोड़ा पहले से ऑलरेडी बहुत फेमस था, और जिस दिन लिया था
उस दिन भी फेसबुक पे बहुत पोस्ट है बहुत लोगों ने, तो उससे भी पता लगता है कि लोग कितना घोड़े को प्यार करते हैं। सही है। तो जैसे कि घोड़ा आपके महाराष्ट्र में आया तो कैसा रिएक्शन था महाराष्ट्र के लोगों का? घोड़ा महाराष्ट्र में आने के बाद बहुत सारे लोगों ने, दोस्तों ने बधाई दी कि आपने बहुत अच्छा घोड़ा महाराष्ट्र में लाया है, इससे अपने को कुछ अच्छा बहुत बेनिफिट होगा, बिल्डिंग में काफी सुधार आएगा, काफी सुधार आएगा। तो मेरा कहना यही है कि प्रदीप भाई इसके अच्छे से अच्छे बच्चे मार्केट में आए और हमारे जो किसान लोग है या हमारे कोई ब्रीडर लोग है, दोस्त लोग है, तो इनके भी घोड़ियों को अच्छे बच्चे पैदा हो और वो भी दो पैसा कमा पाए, सेल कर पाए, नाम कर पाए, बस यही मकसद है हमारे इसके पीछे का। तो बबलू भाई अगर मैं इसके बात करूँ तो दो तीन रिजल्टों के नाम बताओ ना इसके। इसका रिजल्ट फेमस सब में है तो बादल घोड़ा है जो गुजरात में है, कई शो विनर है। ओके। एक केसरिया घोड़ा है वो भी कई शो विनर है। वापिस एक शिव सुंदर घोड़ा है जो अभी मिल्टित में 63.5 के करीबन खड़ा है। ओके। जो शो में अभी फरीदकोट शो में आएगा, फरीदकोट शो में आने वाला है। ओके। और एक हुकुमगढ़ में इसके मोरनी बोल के एक फिली है जो अदंत में 63-64 के करीबन खड़ी है। तो यानी कि घोड़ा हाइट में छोटा है पर जो बच्चे हैं वो अपने से ज्यादा देता है, यानी कि। हाँ प्रदीप भाई, घोड़ा छोटा रहेगा तो बच्चे छोटे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसको घोड़िया सही से मिलनी चाहिए और वो बच्चों की बचपन में केयर होनी चाहिए ठीक से। ओके। तो बच्चों की हाइट होती है। तो बबलू भाई एक सवाल और है मेरा, जैसे कि बहुत सारे लोगों में मार्केट में चर्चा चालू है कि बबलू भाई के पास तो एक घोड़ा इतना बड़ा है और एक घोड़ा इतना छोटा ले लिया, पता नहीं बबलू भाई को क्या हो गया। क्या है प्रदीप भाई, हाइट का तो शौक मुझे है और वो रहेगा लास्ट तक। हाइट में मेरे पास विश्वनाथ घोड़ा था जो काफी बड़ा और काफी खूबसूरत और पंचकल्याण है, मगर मुझे एक ऐसा घोड़ा लेना था जो वाकई में बहुत खूबसूरत हो इंडिया में, और वैसा घोड़ा मुझे अति सुंदर ही लगा क्योंकि मैंने जितने लोगों से पूछा तो उतने लोगों ने यही बताया कि अति सुंदर जैसा घोड़ा हिंदुस्तान में नहीं है। तो वही एक दिमाग में घूम रहा था कि काश वो घोड़ा मुझे मिल जाए। ओके। तो इसीलिए मैंने अति सुंदर घोड़ा खरीदा और कुछ नहीं, क्योंकि उसमें जो नेक है, उसका जो फेस है, उसके जो कान है, वैसे कोई घोड़े में, और चलने का भी स्टाइल तगड़ा है ना, और उसकी लाइनेज भी स्ट्रांग है, लाइनेज भी, इसीलिए वो घोड़ा खरीदा प्रदीप भाई और कुछ नहीं। तो बबलू भाई जब घोड़ा लिया तो लोगों ने बोला नहीं क्या, यार बबलू भाई क्या छोटा घोड़ा ले रहे हो यार, वो घोड़ा क्या है, वो घोड़ा तो चार बार बिक गया है, कहीं टिकता नहीं है, ऐसा बोला क्या लोगों ने? क्योंकि मेरे को भी फोन करके बोला। अभी एक बात बताऊं प्रदीप भाई, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कोई घोड़ों में कमियां नहीं निकलता हो। सभी लोगों को अपना घोड़ा घोड़ा लगता है और बाकी घोड़े टट्टू लगते हैं, दूसरे के टट्टू लगते हैं। तो मेरा कहना यही है कि अपन हॉर्स लवर है और अपन ने सारे घोड़ों की इज्जत करनी चाहिए और किसी के घोड़ों को नाम रखने का अपना कुछ अधिकार नहीं है। हर एक इंसान बड़े मेहनत से, बड़े प्यार से उसको पालता है और सभी को अपने घोड़े अच्छे लगते हैं। तो किसी भी घोड़े पे कमेंट करने से पहले ये सोचो कि अपने पास भी घोड़े हैं, तो वो सोच के अपना ही घोड़ा समझ के सारे घोड़ों को इज्जत दो, तभी अपने हिंदुस्तान के मारवाड़ी घोड़े और प्रमोट होंगे। एक मेक की कमियां निकालेंगे तो अपने घोड़े को कुछ कीमत नहीं, यानी कि सबों की सोच एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि दूसरों के घोड़े में एक जैसी रहनी चाहिए, सभी ने सभी के घोड़ों को अच्छा कहना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए, नहीं कि उसमें बारीकियां निकालनी चाहिए, क्योंकि बारीकियां निकालने का कोई मतलब नहीं है ना। जो बारीकियां निकालता है उसको बिजनेस करना होता है प्रदीप भाई, वो हौसला कहलाता ही नहीं कोई एंगल से। बिल्कुल बिल्कुल। तो बबलू भाई जैसे कि आपने घोड़ियां भी बहुत देखी मार्केट में, तो मैं जरा पूछना चाहूंगा नए लोगों के हिसाब से क्या रेट चल रहा है मार्केट में घोड़ियों का? जैसे कि बहुत सारे लोग फोन करते हैं बोलते हैं सर 1 लाख में घोड़ी चाहिए, 2 लाख में चाहिए, तो क्या 1-2 लाख में घोड़ी मिलना आज के टाइम पे मार्केट में है क्या, यानी कि मिल पाए घोड़िया 1-2 लाख में भी मिलती है प्रदीप भाई, मगर उसका कुछ वैल्यू नहीं है। क्योंकि देखो गाड़ियाँ लेने जाएंगे तो 2 लाख में भी 4 व्हीलर मिलती है और 2 करोड़ में भी मिलती है, मगर जैसे गाड़ियों में अलग अलग फैसिलिटी होती है तो जैसे पैसे बढ़ते हैं वैसे क्वालिटी मिलती है। बिल्कुल। तो ये घोड़ों का भी वैसी ही बात है, जैसे पैसे डालोगे आप उस चीज की क्वालिटी मिलेगी। नहीं नहीं, तो मैंने तो मार्केट में ये भी सुना है कि जैसे मान के चलो और कोई गया, आप ही मान के चलो बबलू भाई गए या फिर और कोई बंदा गया, तो आदमी की औकात देख के रेट बताते, तो उसमें कैसे तय करे आदमी? मान के चलो 10 लाख की घोड़ी के मान के चलो 60 लाख बता रहा है, तो उसमें क्या फीचर देखे फिर आदमी? वो तो होता है भाई, वो तो बताने वाला तो कुछ भी चीज बताता है। आपके साथ ही हुआ क्या?
अभी होता तो है मार्केट में भाई, क्योंकि जिसके पास अपन जाते वो ऑलरेडी सारी इंक्वायरी निकालता ही है लोगों कि भाई कौन आने वाला है, तो आदमी देख के भी रेट होता है, मगर ऊपर वाले ने अपने को इतना भी अनपढ़ नहीं बनाया कि अपन उस चीज की कीमत ना कर पाए। ये बात नहीं है कि आपको ये चीज 50 लाख में बोली है तो आप वो 50 लाख में खरीदो, उस चीज की कीमत अगर 5 लाख बनती हो तो आप उसको 5 लाख बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो बबलू भाई, जैसे आप मार्केट में अभी गए तो कितने, यानी कि आपको सबसे महंगी घोड़ी कितने लाख की बताई गई, बताना चाहोगे? देखो प्रदीप भाई, ये बताने वाली बात नहीं है, मगर घोड़ों को कुछ MRP है नहीं, MRP नहीं है, तो घोड़ा लाख का भी है, करोड़ का भी है, और किसी के लिए 10 करोड़ का भी है। तो इस बारे में क्या बताऊं मैं आपको, बाकी लोग सब समझदार है। तो मार्केट में फर्जी लाइन बनाने वाले भी कुछ लोग मिले क्या? हाँ, फर्जी लाइन बनाने वाले तो है, जिसका व्यापार है वो फर्जी लाइन बनाता है। जो कुछ लोग अच्छे भी है, जो कोई बात गलत नहीं बताते, सच बात बता के सारी डील करते, ऐसे भी कई लोग है, मगर वो एक की वजह से सभी लोगों का नाम बदनाम हो जाता है। क्योंकि घोड़ा लाइन में कुछ 5% लोग ऐसे हैं जो वास्तव में आज भी सही जानकारी देते हैं, 5% ब्रीडर ऐसे हैं। हम घूमे प्रदीप भाई, इतने तो अच्छे लोग भी हमको बहुत मिले, जिन्होंने बहुत अच्छी सलाह दी, बहुत अच्छे घोड़े भी दिखाए, और कुछ अच्छा ये भी बताई कि घोड़ों के बारे में या लाइन के बारे में, तो उनको भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो उनका नॉलेज है 20-25 सालों का जो हमको शेयर किया, उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो बबलू भाई, मार्केट में जो कुछ लोग दूसरे टाइप के भी मिले होंगे, अब उनके बारे में भी बताओ, जब सही टाइप के बारे में बताया तो। देखो दूसरे टाइप के लोग कैसे सेट करते हैं आदमी को? सेट करने का क्या है प्रदीप भाई, हर चीज, हर इंसान को लालच होती है कुछ ना कुछ, तो उस हिसाब से उस लोग भी बातों में थोड़ा सा उलझाते है, दूसरे की बुराइया करते हैं, अपने चीज को सबसे खूबसूरत बताते हैं और दूसरे को बिल्कुल खराब बताते हैं, दूसरे को बिल्कुल दूसरे की चीजों में कमियां निकालते हैं। अरे वो घोड़ा तो क्या, उसका पैर में पानी है, उस घोड़े के सुम सही नहीं है, उस घोड़े की हाइट कम है, तो हर एक आदमी अपना माल बेचने के लिए दूसरे को बदनाम करता है। तो मैं आपको वही कहना चाहता हूँ कि किसी के घोड़ों का नाम मत रखो, जो सच है उसको सच बोलो, अगर कोई चीज खूबसूरत है तो उसको खूबसूरत बोलो, जो चीज गलत है उसको गलत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ऐसा दूसरे के घोड़ों को बदनाम करके खुद के घोड़ों का नाम बड़ा मत करो, कहना यही। क्योंकि मेरे को लगता है कि घोड़ा लाइन में जो बात, मान के चलो आपको किसी ने बोली, तो वो बात उस तक सीमित रहती नहीं है, वो बात सामने वाले तक पहुंच जाती है, मेरे को जैसा लगता है। हाँ देखो प्रदीप भाई, हम तो इस फील्ड में नए हैं, हमको किसी से कुछ लेना देना है नहीं, जो बात सच है वो सच है, अगर हमको गलत लगा तो हमने आपके सामने वो चीजों को रख दिया, क्योंकि हम हमारे जैसे भी नए हॉर्स लवर है, जिनको घोड़े खरीदने हैं, जिनको घोड़ों में इंटरेस्ट है, उन लोगों को बताना हमारा काम है कि हमारे साथ में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी वक्त से पहले समझदार हो जाए कि क्या क्या गलतियाँ इस मार्केट में होती है, और क्या चीज़ों से दूर रहना चाहिए और क्या चीज़ों से समझना चाहिए। तो बबलू भाई, जैसे घोड़ा मार्केट में आजकल यूथ क्या है, जोश में आके बहुत घोड़े लेते हैं, तो जोश के बारे में क्या कहना चाहोगे यूथों के? देखो प्रदीप भाई, बड़े लोग अक्सर बताते हैं कि जोश में कोई काम करना नहीं चाहिए, हर चीज़ का सलाह मशवरा होना चाहिए, जोश में आदमी कभी कभी होश खो देता है, और जो चीज़ नहीं लेनी वो भी जोश में ले लेता है। बिल्कुल। तो देखो, अपना अपना शौक रहता है सभी का, कोई आदमी शौक से खरीदता है, कोई आदमी किसी के बहकावे में खरीदता है, तो मेरा कहना यही है, तो आपको लेना है कोई चीज़ तो सोच समझ के लो, और नए हॉस्टलर को इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ लेने से पहले उसको परखो, उसको जानो। पहली बात तो घोड़ा पालने से पहले घोड़ा खाता क्या है, घोड़ा करता क्या है, घोड़ा बीमार होने के बाद करना क्या चाहिए, वो चीजों पे पहला ध्यान दो, वो सारी चीज की नॉलेज लो पहले। हाँ, पहले नॉलेज लो, एक ही घोड़ा खरीदो पहले उसकी नॉलेज लो हर चीज की, और फिर घोड़े खरीदो, घोड़े लो। तो बबलू भाई, अभी ब्रीडिंग के लिए तैयार है ना घोड़ा, वैसे आपके पास में अभी? हाँ, अभी आपके प्रति भैया, मेरे पास में 5-6 दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए। हाँ, तो सोचा हूँ और 2-3 दिन जाएंगे, उसके बाद में इसकी ब्रीडिंग चालू कर देंगे।
तो बाकी बबलू भाई घोड़ा स्वभाव में कैसा है, जैसे कि आपने 5-6 दिन से आपके पास में है? घोड़ा स्वभाव में कहते भाई बहुत शांत है और राइडिंग में भी बहुत खूबसूरत घोड़ा है। राइडिंग करना चालू किया? राइडिंग करना बच्चों लोगों ने इसके ऊपर चालू कर दिए। राइडिंग के लिए बहुत ही शांत और बहुत ही चाल में भी खूबसूरत घोड़ा है। चाल जैसा इसका नाम है वैसे इसकी चाल है और वैसे ही घोड़ा शांत और वही सब गुण इसके अंदर है। सब गुण है इसके अंदर है। घोड़े में चमक भी अच्छी खासी है ना? घोड़े में चमक भी अच्छी खासी है। ये देवदरबार लाइन की खासियत है कि सारे घोड़ों में चमक और खूबसूरती बहुत है, शानदार आती है ना? शानदार आती है। ओके थैंक यू बबलू भाई घोड़े के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए, धन्यवाद प्रदीप भाई। और नए लोगों को सतर्क करने के लिए, सबसे मैं नया आदमी सतर्क होना चाहिए भाई, हम भी कोई बहुत जूने नहीं है। नहीं, पर देखो बबलू भाई लगा है, पर आपका जो अनुभव है मार्केट का है ना, वो अनुभव नए लोगों के काम आए वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मार्केट में क्या है भाई, हम भी जब हमको कुछ नॉलेज नहीं था तब हम भी कुछ चीजों में फंसे थे, तो हमने हमारा जो हमारे साथ अनुभव हुआ है वही लोगों में शेयर कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइम हर कोई बंदा फंसता है तो उसे सुधारना कैसे चाहिए। तो आपका चैनल, आप भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हो कि लोगों को समझदार कर रहे हो, ऐसे कई लोग हो गए जिसने आपकी वीडियो देख के समझदारी से समझा होगा, मगर कुछ लोग ऐसे भी है जिनको कितना भी समझाएंगे नहीं समझ में आती, तो उनके जोश में उनको समझ में नहीं आती। और अगर आप किसी को अच्छा बताएंगे तो लोगों के पास जाके आपकी बुराइयां करेंगे, तो उससे अच्छा है कि जिसको समझना हो उसको समझाना अपना काम है, जो तो समझे ही नहीं उसको बोल के कोई मतलब है नहीं। मैं तो खाली वीडियो के द्वारा समझाता हूँ, वरना नया आदमी मेरे पास में कोई भी फोन करता है ना कि सर घोड़ी लेनी है, मैं डायरेक्ट ही रॉन्ग नंबर बोलता हूँ, क्योंकि मैं उस बारे में बात ही नहीं करता, सेल परचेज का अपना काम ही नहीं है। क्योंकि तो मान के चलो मेरे को लोग पूछते हैं सर वो आदमी कैसा है, मैं कह दूँ हाँ उससे जाके घोड़ी ले ले, और कल को मान के चलो वो आदमी को ज्यादा महंगी उसने दे दी तो वो कल को क्या बोलेगा, यार उस भाई ने फंसवा दिया मेरे को। वो बात तो सही है प्रदीप भाई, वैसे मुझे भी काफी फोन आते हैं कि आपके पास बच्चे बेचने के लिए है क्या, घोड़ी सेल के लिए है क्या, मगर अपने पास कोई चीज बिकाऊ है ही नहीं, तो आप किसको बताए कि मेरे पास ये चीज बिकाऊ है। काफी लोग बोलते है आपके किसी कॉन्टेक्ट वाले का नंबर दो, मगर क्या है ना प्रदीप भाई, आप किसी को नंबर देंगे अपना और वो कल जाके उसको फंसाएगा, जिसने घोड़ी खरीदी वो सारे गांव में बता देगा वो कि उसने फंसवाया भाई, ये बबलू शेख पूना वाले है, इन्होंने नंबर दिया उनके आदमी ने मुझे ठग लिया। बिल्कुल, उससे अच्छा है कि भाई तू मार्केट में घूम, तू जानवर देख और तुझे पसंद आए तो तू ले, ना लाए ना पसंद आए तो छोड़ मत ले। ओके थैंक यू बबलू भाई। ओके भाई।